देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्वेश्चन यहां पर पढ़ाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पर ये बन के आता है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास, कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास ने सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर बताया है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास ने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर बताया है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर होता है, सबसे पहले यहां पर हम ये समझेंगे कि निर्गुण भक्ति किसको बोलते हैं और सगुण भक्ति किसको कहते हैं। बाकी निर्गुण भक्ति होती क्या और सगुण भक्ति होती क्या, हमको ये पता तो रहना चाहिए। निर्गुण भक्ति का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते हैं और भगवान को प्रकृति में ढूंढते हैं, है ना, जो भगवान को प्रकृति में ढूंढते मंदिर नहीं जाते उनको निर्गुण भक्ति को मानने वाले होते हैं। और सगुण सगुण भक्ति का मतलब जो होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं, मूर्ति में मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, ये सगुण भक्ति वाले होते हैं। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, तो सूरदास जी बोलते हैं कि निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप को स्वीकारा गया है। निर्गुण भक्ति में भगवान के ऐसे रूप को स्वीकार किया गया है जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, ना तो रूप है ना रंग है, कुछ नहीं है, उसको स्वीकारा किया गया है। इसके विपरीत सगुण भक्ति में भगवान को साकार रूप में व्यक्त किया गया है, जैसे भगवान कृष्ण साकार रूप है, भगवान हनुमान जी, भगवान राम जी साकार रूप है, क्या में सगुण भक्ति में ना। निर्गुण भक्ति में ज्ञानवाद का महत्व बड़ा ही सूक्ष्म और चिंतन मनन का है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानवाद का महत्व होता है ना, बड़ा ही सूक्ष्म और चिंतन मनन का है, बहुत बारीकी सोचना पड़ता है। वे जन साधारण की परिधि से बाहर था, निर्गुण भक्ति जन साधारण की परिधि से कैसा था, बाहर था। ज्ञान की राह तलवार की धार के समान तीखी है, निर्गुण भक्ति का आप ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे ना तो तलवार की धार के समान क्या तीखी है, उस पर गमन करना मतलब उस पर चलना जन सामान्य के लिए दुर्लभ है, मतलब बहुत कठिन है। निर्गुण भक्ति में भगवान का ना कोई रूप है और ना कोई जाति है, इसके फल स्वरूप मानव की बुद्धि चकित हो जाती है, किसमें, निर्गुण भक्ति में। वह इस दुविधा में पढ़कर स्वयं को असहाय अनुभव करता है, उस दशा में सगुण भक्ति ही उसकी निराशा में आसक्त संचार करती है। लेकिन जब वो सगुण भक्ति को मानता है, हनुमान जी की पूजा करता है, वहां पर जाकर के पूजा पाठ करता है और मंत्र वगैरह पढ़ता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है और उसकी निराशा में आसक्त संचार करती है। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए मानव को द्वीप रूप में प्रज्वलित होकर एक नई राह दिखाती है। सगुण भक्ति में इस बार पृथ्वी पर अवतार लेने जन सामान्य की पीड़ाओं का निराकार करता। भगवान कृष्ण ने अवतरित हो, भगवान राम अवतरित हुए, राक्षसों का संहार किया, इस संसार के हर प्राणी का कर दे तू संहार ओ मेरे राम जी। देखो इसी आशा में, सर्दी हो गया, इसी आशा में मानव जिंदगी की राह पर निरंतर गतिमान रहता है। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति बहुत दुरूह और अगम्य होती है। जो गूंगा जो होता है, गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है। एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव तो करता है, परंतु वाणी के अभाव में वो, अब गूंगा बेचारा बोल कहाँ पाएगा, उसका वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा मीठा मीठा खा तो लेता है, लेकिन बता नहीं पाता कि मैंने कितना खाया हूं, कितना मुझे मजा आया है। वह आनंद रूप तथा रसमय प्रभु को प्राप्त करने का अपूर्व उल्लास अपने मन मानस में करता है तथा भगवान के गुणों पर रीझता रहता है। कौन, गूंगा व्यक्ति। फल के स्वाद का अनुभव कर तो लेता है, लेकिन किसी को बता नहीं पाता। कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ भैया, कुब्जा कौन थी, कुब्जा का उद्धार कैसे हुआ, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार किसने किया। उत्तर, कुब्जा जो थी मथुरा कंस का, मथुरा के राजा कंस की एक नौकरानी थी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो कुब्जा को उन्होंने उद्धार करके आए थे। कुब्जा मथुरा के राजा कंस की एक नौकरानी थी, उसका नित्य कार्य कंस के माथे पर चंदन लगाना था। वो कंस के माथे पर क्या लगाती थी, चंदन लगाती थी। जब कृष्ण अपने मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले कुब्जा मिली, उसने कृष्ण के माथे पर चंदन लगाया। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के जो कुबड़ होती कुब पर एक हाथ रखा और अपने पैर से उसके पैर दबाकर एक झटका दिया, जिससे वह सीधी हो गई और अनुपम सुंदरी बन गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया। अगले वीडियो में वास्तव भाव पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।